जम्मू कश्मीर आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए गुजरात का 25 वर्षीय नौजवान शहीद हुए। इनकी अंतिम यात्रा आज सुबह अहमदाबाद से पार्थिव शरीर लेकर आर्मी जवानों के साथ आनबान के साथ गांधीनगर से निकलकर कपड़भंज के नदी दरवाजा पर पहुंची थी। जब यात्रा अंतिम दर्शन के लिए हरेश सिंह परमार का अंतिम दर्शन के लिए वीर शहीद का पार्थिव देह जब कपड़भंज में पहुंचा, तब कपड़भंज के नदी दरवाजे से लेकर नवागाम से लेकर नदी दरवाजा तक पूरा रोड भरा हुआ था। बाद में नदी दरवाजे भी अंतिम यात्रा का दर्शन करने के लिए पार्थिव देह आया उनका, तब कपड़भंज के अंतिम दरवाजा से लेकर नदी दरवाजा तक पूरा कपड़भंज के शहर की जनता बाहर आकर गुजरात के सैनिक जो शहीद हुए मुठभेड़ में जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले में, उनकी शहादत शहीद हुए नौजवान को श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करने के लिए भीड़ उमट पड़ी थी। सेना के शहीद हरीश सिंह राधाबाई परमार, उनके परिवार में उनके पिताजी, उनका भाई है, उनका पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह 6:30 बजे गांधीनगर के पथिकाश्रम से जो हनुमान परिसर से वहां से प्रस्थान हुआ था और कपड़भंज में पहुंचते नवागाम से लेकर पूरी तरह से जनमेदनी रोड पर दिखाई दे रही थी और अंतिम यात्रा का दर्शन के लिए 2 दिन से इंतज़ार का आज अंत आया और इंतज़ार पूरा गांव, पूरा कपड़भंज शहर और गांव के लोग भी कर रहे थे और उनके परिवार भी हरीश सिंह की पार्थिव शरीर कब आएगा वो इंतज़ार में थे। लेकिन आज पार्थिव देह आया कपड़भंज शहर के नदी दरवाजा से लेकर त्रिवेणी पार्क बस स्टेशन से लेकर दाणा चौकड़ी से लेकर नेशनल प्लाजा से लेकर टाउन हॉल से लेकर डाकोर चौकड़ी से लेकर पांजरा पोर्ट से लेकर आगे रेलवे स्टेशन से लेकर अंतिसर दरवाजा और जीआईडीसी से लेकर सोनीपुरा गांव और जो वणजारिया चौकड़ी है, उन दोनों तरफ रोड पर भारी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए जो जम्मू कश्मीर के आतंकी मुठभेड़ में 25 वर्षीय नौजवान वीर शहीद हरीश सिंह राधाभाई परमार का अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। आतंकी एक बार फिर घाटी में सक्रिय हुए हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हालात बिगाड़ रहे हैं, जिनमें 9 से ज़्यादा हमारे भारत के नौजवान वीर शहीद हुए हैं, 13 से ज़्यादा आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया है और आर्मी भी मुँह तोड़ जवाब दे रही। लेकिन फिर भी हमारा जवान सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या करी जा रही है। हालांकि भारतीय सेना के वीर जवान भी आतंकियों को सफाया भी कर रहे हैं। सेना के जवानों ने पिछले 9 दिनों में 10 झड़पों में 13 आतंकियों को मार गिराया है। दुर्भाग्य से इसी घटना में सेना के कुछ 9 जवान भी शहीद हुए हैं, जिनमें एक गुजरात का योद्धा भी है जो कपड़भंज तहसील के वणझारिया गांव के परमार हरीश सिंह राधा भाई भी शहीद हुए हैं। उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा कपड़भंज शहर की जनता दर्द भरी कहानी से लेकर एक कहानी का अध्याय लिखते हुए शहीद वीर जवान हरीश सिंह परमार
उनके परिवार को सांत्वना और श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा रोड 15 किलोमीटर तक का रोड सिर्फ नौजवान हमारा जो वीर शहीद पार्थिव देह हरीश सिंह परमार का आया था, उनका दर्शन अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे और अंतिम दर्शन करके धन्यता और गौरव की लागणी भी अनुभव प्राप्त किया। कपड़वंश की जनता भी गौरव प्राप्त किया कि 25 साल का एक योद्धा ने अपना प्राण की आहुति देकर माँ भूमि की रक्षा के लिए, हमारी सरहद की रक्षा के लिए दिन रात खड़े पग रहते, गर्मी हो या सर्दी हो या ठंडी हो, लेकिन नौजवान 24 घंटे तक हमारी बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी करते हैं और हमारी देश की रक्षा करते, हमारी ज़मीन की, हमारी बाउं की रक्षा करते करते हमारे 9 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। इनमें एक हमारा गुजरात खेड़ा जिला कपड़वंज तहसील के वंजारिया गांव का भी एक योद्धा हरीश सिंह परमार का भी उस मुठभेड़ में जो 13 आतंकियों को मार गिराया, उसमें जो हमारे 9 जवान शहीद हुए, एक में गुजरात का भी हमारा हरीश सिंह परमार भी शहीद हुए। इनके आज सुबह से लेकर पूरा कपड़वंज शहर और कपड़वंज के 90 से ज़्यादा गांव हैं, हर गांव 2 दिन से एक ही इंतज़ार था कि हमारा योद्धा वीर शहीद हरीश सिंह परमार के अंतिम दर्शन कब करेंगे। उनका अंत सुबह में 8:30-9 बजे से ते ही पार्थिव शरीर लेकर आर्मी के जवानों पहुंचे, पुलिस का भी चुस्त बंदोबस्त किया गया। आज पुलिस का काफला भी तैनात किया गया था कपड़वंज में। त्यौहार का मौसम है, दीपावली आने वाली है और अभी बकरीद का भी त्यौहार है। इसी त्यौहारों में एक और भी रौनक है हमारे देश की, हमारे संस्कृति की, हमारे धर्म की। हमारे धर्म की रक्षा के लिए सब जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और कपड़वंज की जनता भी एक साथ मिलजुल कर हमारे जो शहीद नौजवान वीर शहीद जवान जो हुआ हरीश सिंह परमार को, उनका अंतिम दर्शन के लिए पूरा कपड़वंज शहर हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सभी धर्म के लोग और सभी गांव के लोग वहां पहुंचे थे और उनका दर्शन हर जगह पे, जहां भी जगह मिली, जहां भी कहीं भी जगह मिली वहां खड़े हो गए और सैल्यूट किया, सलाम किया, वीर जवान को सलामी दी। हमारे जवान को सलामी देते देते पूरा रोड भरचक रोड दिखाई दे रहा है, 17 किलोमीटर का रोड, जैसे नदी दरवाज़ा नवागाम से लेकर वंजारिया गांव तक का जो भी रोड था, उन दोनों तरफ आजू बाजू के गांव के लोग पार्थिव शरीर का, जो हमारा जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को सलामी देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े थे और श्रद्धांजलि सुमन अर्पण किया था। इस तौर में अंतिम क्रिया के लिए उनके गांव, मातृभूमि, वतन, अपना माँ जो बुला रही है, मिट्टी बुला रही है, वो मिट्टी अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने परिवार, अपने मित्र मंडल जो वंजारिया गांव में रहते हैं, वो भी इनका इंतज़ार करते थे कि हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारा नौजवान एवं हरीश सिंह परमार का अंतिम दर्शन हम करेंगे। और आज वंजारिया गांव के लोग गौरव के साथ दुख भी व्यक्त किया, हरीश सिंह परमार एक योद्धा ने शहादत दी और शहादत के साथ साथ गांव का नाम रोशन भी किया और साथ में कपड़वंज और खेड़ा जिला का, गुजरात का भी नाम रोशन किया। हरीश सिंह परमार, उनके पिताजी राधाजी, राधा भाई परमार, जो इनके पिता है, उनके 2 संतान हैं, उनमें राजेंद्र सिंह परमार और हरीश सिंह परमार दोनों भाई हैं। दोनों भाई आर्मी में ज्वाइन किया था, बड़ा भाई ने 3 साल तक आर्मी में सेवा की, बाद में उन्होंने
घर की वजह से, उनके घर का आंतरिक मामले की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और वो 2011 में ज्वाइनिंग किया था और 2014 में उन्होंने आर्मी छोड़ दी। लेकिन उनके छोटा भाई हरीश सिंह परमार, बचपन से लेकर उनका एक ही तमन्ना थी, एक ही इरादा था कि उन्होंने देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए वो आर्मी में जाने वाले थे और आर्मी की तैयारी कर रहे थे। और 2016 में उनकी पोस्टिंग हुई, उनको आर्मी में जगह मिली, वो चले गए अपने कॉलेज छोड़कर और आर्मी में 2016 से वो वहाँ अलग अलग पोस्टिंग पे थे। बाद में उन 2 मई को वो वापस अपने घर भी आए थे और 2 मई को वापस नौकरी भी चले गए। उनके बीच में एक मास की वो रजा लेकर आए थे अपने गांव में और अपनी शादी मनानी थी। शादी के लिए उन्होंने चॉइस भी किया था और एंगेजमेंट भी हुआ था, लेकिन शादी कोरोना की वजह से उन्होंने नहीं की। शादी करने के लिए भी इंतज़ार करने का था उनको और बाद में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन जब वो 2 मई को यहाँ से वनजारिया से फिर असम और जम्मू गए और जम्मू में उनकी नौकरी शुरू हुई और वो देश की रक्षा के लिए, देश के नौजवानों के साथ वो आतंकी मुठभेड़ हुआ उसमें शहीद हुए। उनका पार्थिव शरीर गांव में आ चुका है, गांव के लोग ज़्यादातर संख्या में मौन है और श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। एक से लेकर बड़े से लेकर बच्चे तक, बूढ़े से लेकर महिलाएं तक, जा काफ़ी जनमेदनी के साथ पूरा कपड़वंज शहर आज भक्तिमय, शक्तिमय जैसे हो जाते हैं, इसी तरह हमारे देश के जवान जो शहीद हुए ने उनके शहादत में श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए एकता का प्रेरक दिखाई दिया। उन पे सभी धर्म के लोग आए और सभी धर्म के लोग ने उन्हों श्रद्धांजलि अर्पण की, सलामी दी। अपने देश के जवान जो शहीद हुए उनको सलामी दी गई और अंतिम यात्रा में सभी लोग शामिल हुए। अंतिम यात्रा देखकर कितने लोगों के आँख में आंसू भी थे, साथ में गौरव भी था कि हमारा एक जवान शहीद हुआ है, लेकिन गांव का नाम भी रोशन किया। वणजारिया गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, स्कूल में जाते थे, वो बच्चे को वो जब भी वैकेशन में आते थे या तो उनको जब भी रजा मिलती थी तब गांव में आते थे ना, तो गांव के बच्चे जो छोटे छोटे स्कूल में पढ़ाई करते उनको भी वो आर्मी की ट्रेनिंग देते थे। वो बच्चे भी बता रहे कि वो आर्मी की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। इस तरह उन वणजारिया गांव की जो आबादी है वो 2500 से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन इसमें से 25 से 30 नौजवान अभी आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और तैयारियां, पूर्व तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये छोटा सा गांव होकर भी हमारा देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए तमन्ना है उनको। इसी तरह ये वणजारिया गांव के बच्चे भी अभी से तैयारी है वो जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए और देश की सेवा करने के लिए वो बेताज है। और अभी जो पार्थिव शरीर आया है उनका अंतिम क्रिया के लिए उनके मित्र मंडल, सगा संबंधी, परिवार, सभी लोग ने अंतिम दर्शन किया, श्रद्धांजलि अर्पण की। रोकड़ ककड़ाहट भी दिखाई दिया, कोई रोता हुआ, कोई गौरव की वजह से शांत से सोचते कि एक 25 साल का योद्धा अपना नाम बनाकर चला गया और अपनी भू माता की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए, सरहद की रक्षा करने के लिए अपनी आहुति, अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हो गए। गांव में एक शहीद योद्धा की वजह से पूरा गांव अभी गौरव की लागणी अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। इसी तरह गुजरात का एक नौजवान, इस नौ जो टोटल 9 जवानों शहादत थी उसमें एक गुजराती भी था और गुजरात का एक नौजवान इस मुठभेड़ में शहीद हुए, हरीश सिंह राधा भाई परमार। उनका आज अंतिम यात्रा की गई, पंच
महाभूत में विलीन हो गया उनका शरीर, जल वायु आकाश पाताल से लेकर पंच महाभूत में विलीन हो गया। एक अध्याय एक योद्धा अपनी शहादत देकर पूरे गांव को गौरव दिलाया, आज गुजरात के और देश में नाम रोशन किया। वंजारिया नाम का कोई गांव था ये किसी को मालूम तक नहीं था देश में, लेकिन आज वंजारिया गांव के लोगों ने, वंजारिया गांव के योद्धा की वजह से, आज शहीदी की वजह से अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने जीवन नौछावर करके और हरेश्याय परमार की जो पार्थिव शरीर आज आया, तब गौरववंत पूरे देश में नाम रोशन किया। और अंतिम क्रिया की गई, बड़ी संख्या में अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे, गांव के बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक भी शामिल हुए, श्रद्धांजलि दी और साथ साथ में गौरव की लागणी के साथ शोकमग्न भी दिखाई दिया। पूरा गांव शोकमग्न थे, एक योद्धा को गुमाने की दुख व्यक्त करते थे, लेकिन साथ साथ में गौरव भी है कि इसी गांव से 25 से 30 और भी योद्धा तैयार हो रहे, वो आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल शुरुआत कब से शुरू कर दी है और वो जाने के लिए भी तैयारी कर रहे, और छोटे छोटे बच्चे थे वो भी ट्रेनिंग कर रहे। और इसी छोटा सा गांव में एक देशभक्ति के लिए, एक देश को जोड़ने के लिए और देश की समानता, देश के संविधान और देश का एक किसान जो होता है ना, वो खेत भी करता है किसान और उसके बच्चे सीमाएं की भी रक्षा करते हैं। पूरा देश में किसान एकता, एक किसान ही ऐसा है कि जो देश की सेवा करते हैं और अन्न बीज बोकर अन्न उगाते हैं और पूरे देश को भी खिलाते हैं और दुनिया को भी खिलाते हैं किसान। और दुनिया में हर तरह के सबसे ज़्यादा लोग किसान ही होते हैं, और जो किसान होता है ना वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर वो सीमा की सरहद की सुरक्षा और ज़मीन की रक्षा करते हैं, और बाप जो परिवार में होता है वो खेत करके जमीन में फाड़ के अंदर जमीन को चीर कर अनाज उगलते हैं और उससे खेती करके पालन पोषण करते हैं। और इसी तरह गांव में खेती के साथ पशुपालन का व्यवसाय भी है और ये किसान पुत्र है, और किसान पुत्र उनका जो बड़ा भाई है वो किसानी करते हैं, उनके पिताजी भी किसानी करते हैं, और किसान का बेटा देश के लिए शहीद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट ऑस्कार न्यूज, जुगनू भाई, आमिर मिर्जा, घनश्याम बारोट के साथ मयूर चौहान, बाबू सिंह सोलंकी का रिपोर्ट। हम सलाम करते हैं ऐसे नौजवानों को, हम श्रद्धांजलि देते हैं इस ऐसे नौजवानों को जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण नौछावर करके शहीद हुए हैं। शहीद को सलाम, जय हिंद, जय हिंद, आजादी, अमर रहो वीर जवान, अमर रहो के नारे बुलंद लगे, और अमर रहो नारे के साथ साथ वंजारिया गांव में हमारे बीच से हरीश परमार का अंतिम दर्शन सभी ने किया, श्रद्धांजलि दी और उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गए और अंतिम क्रिया परिपूर्ण हो अक्षरधाम में पहुंच गए। और उनकी अंतिम धाम में ज़्यादातर लोगों ने उनका दर्शन करके अंतिम दर्शन किया, और बाद में उनका जो हमारे वीर शहीद जवान थे उनका पार्थिव शरीर पंचभूत में विलीन हो गया। वंजारिया से कपड़वंत तहसील खेड़ा गुजरात से ऑस्कार टीम।
DJ Hedge. Yeah.
Yes, Lord.